हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि KGMU की तरफ से आप सभी के लिए, पारामेडिकल स्टाफ के लिए एक बहुत ही बड़ी यहां पर जो है वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी रहेंगी, फार्मिस्ट की वैकेंसी रहेंगी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेंगी, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ यहाँ पर आने वाली हैं। और फाइनली दोस्तों, आज जो है आप सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि आज से 10 या 15 20 दिन पहले KGMU ने अपने यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करने से पहले न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था कि KGMU की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ आने वाली हैं। पर किस सेक्टर के अंदर आने वाली हैं, कितने आने वाली हैं, ये अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, उस शॉर्ट नोटिस में नहीं बताया गया था। पर यह बताया गया था कि KGMU जो है वो वैकेंसी ला रहा है। तो फाइनली दोस्तों, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, कितने पोस्टों की वैकेंसी है, क्या स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी है, या यहाँ पर फार्मिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर की, किन किन पोस्टों पर वैकेंसी है, इसके बारे में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ, जिसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिलेगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ जाइएगा। और रिक्वायरमेंट की हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस नोटिफिकेशन का PDF जो है आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिलेगा, उस टेलीग्राम से आप पूरी नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर कैरियर वाले सेक्शन पर अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक नए इंटरफेस में यहाँ पर जो है ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद फाइनली दोस्तों यहां पर जो है KGMU की तरफ से आप सभी के लिए, यानी कि 16 नवंबर को यहां पर रहते हैं उनके तरफ से यहां पर जो है आप सभी के लिए पोस्टें डाल दी गई हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 16 नवंबर, यानी कि दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कि दूसरे पैराग्राफ में 16 नवंबर को ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट नोटिस है अप्लाई के लिए, और लास्ट डेट जो अप्लाई है वो 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि आप सभी के पास पूरे 1.5 महीने का अभी समय यहाँ पर आने वाला है। जैसे ही अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नोटिस जो है आप सभी को, मैंने हिंदुस्तान पेपर में भी, दैनिक जागरण में भी, यहाँ पर कई सारे अलग अलग न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट के अंदर शॉर्ट नोटिस में आप सभी को यहाँ पर देखने को मिली थी। इसी के लेकर बताया गया था कि इसके अंदर काफ़ी यहाँ पर जो है प्रयास किए गए थे कि नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर यहाँ जो है स्टाफ नर्सिंग की, फार्मिस्ट की वैकेंसी आएगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों KGMU यहाँ पर जो है लाने वाला है वैकेंसियाँ, पर अभी जो है स्टाफ नर्सिंग की या फार्मिस्ट की या लैब टेक्नीशियन की उस तरह की वैकेंसी नहीं आई है, पर नर्सिंग से जुड़ी हुई ये वैकेंसियाँ हैं जिसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस सामने हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो है आप उस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें 2025 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि KGMU आप सभी के लिए, यानी कि जो अपडेट बताई जा रही है सोस्तों के माने से, माने कि लगभग यहाँ पर जो है 600-700 स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी आने वाली हैं, पर उम्मीदवारों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 25 यानी कि दोस्तों 2025 के जनवरी तक भी आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और दिसंबर के एंड तक शॉर्ट नोटिस भी देखने को मिल सकता है, उससे पहले भी दोस्तों यहां पर मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या पोस्टें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो KGMU की तरफ से यहां पर आप देखते हैं कि यूपी लखनऊ के अंदर से ये अपडेट है, एड्रेस जो है यहाँ बता दिया गया है, साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर बताया गया है, यानी कि नोटिस नंबर, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेल और डेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग 1 से लेकर 17 पेज के अंदर है, लास्ट डेट नंबर ऑफ अप्लाई करने की वो 31 दिसंबर है, स्पेशल नोटिस में यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर देते हैं कि ओनली मेड अप अप्लीकेशन इज यहाँ पर ओनली ऑनलाइन KGMU ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि www.kgmu.org के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप सभी को अप्लाई करना है। इसमें बताया गया है कोई हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट किसी तरह का कोई भी सेंड ना करे, सारी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के सामने टेबल आ चुका है वैकेंसियों का, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग नंबर यहाँ पर 37R, यानी कि 2024 पने के फॉर्म फिलअप करते समय ये डाटा आप सभी को डालना होगा। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखते हैं कि टेक्नीशियन ऑफिसर, यहाँ पर जो है UR OBC के लिए, यहाँ पर जो है इन डिग्रियों के लिए। पर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे लिए अगर इसके अंदर कोई वैकेंसी है या नहीं है, तो मेडिकल लैब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए है, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगा गया है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है लेबोरेटरी साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर कम से कम लेबोरेटरी अटैच के अंदर कम से कम मिनिमम जो है आप सभी को 100 बेड का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अंदर जूनियर यहाँ पर मेडिकल लैब यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th+2 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए,
और जो आप सभी का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर, तब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ओटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिकल के लिए, टेक्नीशियन GR2 के लिए, टेक्नीशियन यहाँ पर जो है कर सकते हैं, जिसमें डायलिसिस के लिए यहाँ पर 17-3 है, जिसके BSc नर्सिंग डायलिसिस होना चाहिए, उसके अंदर यहाँ पर आप सभी का 2 साल का BSc का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसी के नीचे यहाँ पर अगर बात करते हैं टेक्नीशियन, यहाँ पर जो है Grade 2 के डेंटल के लिए होना चाहिए, टेक्नीशियन न्यूरो मेडिकल के लिए होना चाहिए, और OT असिस्टेंट के लिए यहाँ पर है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन लैब होना चाहिए 10+2, और 2 साल का रेगुलर होना चाहिए, और मिनिमम आप सभी को 100 बेड का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पर जो है 1.5 ईयर का मांगी जा रही है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि OTG के अंदर भी और कई सारी वैकेंसी के अंदर यहाँ पर जो है मिनिमम कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे 100 बेड्स की यहाँ पर जो है डिमांड की जा रही है। 100 बेड से कम की कोई डिमांड यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसमें कि यहाँ पर 100 बेड देख सकते हैं। अगर उसी के नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की निकाली गई है, एपोटिस्ट की निकाली गई है, फार्मिस्ट ग्रेड की निकाली गई है, 38 पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा इन फार्मिस्ट होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर जो असिस्टेंट फार्मिस्ट होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे पोस्ट निकाले गए हैं, पर उन उम्मीदवारों के लिए नहीं है जो यहाँ पर अच्छी खासी जो है स्टाफ नर्सिंग की या मेडिकल ऑफिसर की या लैब टेक्नीशियन की, फार्मिस्ट की अच्छी खासी पोस्ट पर यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट चाह रहे थे। पर यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए वैकेंसी को तो निकाला गया है KGMU की तरफ से, पर उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर नहीं निकाली गई है। यानी कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है या इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं, और इसके अंदर उम्मीदवार अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पोस्ट पर भी उम्मीदवार को काफ़ी होप होता है। क्योंकि आप सभी के अगर देखें तो आप सभी की जो स्टडी मटेरियल है वो भी सेम होती है, क्वालिफिकेशन भी सेम होती है, पर कुछ कुछ जगह पर जो है बेडों की जो दिक्कत है वही होती है, नहीं तो इसके अंदर भी आप इजीली यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और जो भी उम्मीदवार स्टाफ नर्सिंग की इंतज़ार कर रहे हैं तो वो दोस्तों ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि आप सभी के सामने यहाँ पर जो है फाइनली बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर ही दोस्तों जनवरी 2025 तक आप सभी को स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी